अनारवा किचन को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम बनाएंगे रात कचौड़ी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक कप आटा ले लिया है, आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। 1/4 कप हमने सूजी ले ली, इसे भी डाल दिया। आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, इसे डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, तो अपने आटे को हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट इसको आटे को हम मसल लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरी भी बेल लेंगे। और अब हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल को हम अच्छा गर्म करेंगे। हम ऑयल को चेक कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और इसमें हम भुड़ियों को डालते हैं। और गैस को धीमा कर देंगे, बिल्कुल स्लो पलट देंगे इस तरह से और इसे धीमे आंच पे पकाएंगे। धीमे आंच पे बनाने से बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। हम 2 घंटे के लिए इसी तरह खुली जगह पर रख देंगे। अब इस एक पूरी को हम ले लेंगे और इसको हम बीच से फोड़ लेंगे। इस तरह से इसको हम फोड़ लेंगे। हमने ये जो आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं, इसमें हमने नमक डाला है और हल्की सी लाल मिर्च डाली है और इसको हमने मैश कर लिया है हल्का सा। इसे डाल देंगे इसके अंदर। ये हमने साबुत मूंग ली है, इसे भिगो लिया था और उसके बाद इसको 3 सीटी में हमने इसको बॉईल कर लिया। इसे भी भर देंगे
ये मूंग की नमकीन दाल है जिसे हम तली हुई, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे दही। ये दही हमने इसमें चीनी मिला ली है और इसे फेंट लिया है। दही डाल देंगे, हल्का सा इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे, बिल्कुल हल्का सा, चाट मसाला, हल्का सा नमक। अब हम डाल देंगे इसमें हरी चटनी। अब इसमें हम डाल देंगे इमली की लाल चटनी। दोबारा से इसमें आलू डाल देंगे। मूंग दाल डाल देंगे, तली हुई दाल डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हरी चटनी, लाल चटनी और दही। ऊपर से धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ हल्का सा। और ये हमने सेव मेरे पास नहीं थे तो मैंने भुजिया को थोड़ा सा टच कर लिया है, इसको डाल देंगे। ऊपर से डाल देंगे अनार के दाने। हमारी रात कचौड़ी बनके बिल्कुल